नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। मेरी बहन, बाजार से घर लौटते वक्त एक लड़की का कुछ खाने का मन किया तो वह रास्ते में खड़े ठेले वाले के पास बेलपूरी लेने के लिए रुक गई। उसे अकेली खड़ी देखकर पास ही मन ही एक पान की दुकान पर खड़े कुछ मन चले भी वहां आ गए। उन लड़कों के दुड़ती आंखों लड़की को असहज कर रही थी, पर वह ठेले वाले को पहले पैसा दे चुकी थी, इसलिए मन कड़ा करने खड़ी रही। दुअर्थी डबल मीनिंग गानों के बोल के साथ साथ आंखों में लगी अदृश्य दूरबीन से जब लड़के उसी शारीरिक संरचना के लिए निरीक्षण कर रहे थे, उगता कर वह कभी दुपट्टे को सही करती तो कभी ठेले वाले से और जल्दी करने को कहती। उन मनचलों की जुगलबंदी अभी चल ही रही थी कि कबाब में हड्डी की तरह एक बाइक सवार युवक वहां आकर रुका। बाइक सवार युवक ने लड़की ने कहा, अरे पूनम, तू यहाँ क्या कर रही है? हम अपने भाई से छुपकर पेट पूजा हो रही है। संभवित खतरे को भाप कर वो सभी मन चले तुरंत इधर उधर खिसक लिए। समस्या से मिले अनपेक्षित समाधान से लड़की ने राहत की सांस ली, फिर असमंजस बड़े भाव के साथ उसे बाइक सवार युवक से कहा, माफ कीजिए, मेरा नाम एकता है, आपको शायद गलत कहनी हुई है, मैं अपनी बहन नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, मगर किसी की तो बहन हो। इतना कहकर युवक ने मुस्कुराते हुए हेमलेट पहना और अपने रास्ते चल दिए। हम में से बहुत से लोग रोज आते जाते रास्ते पर ऐसे नज़ारे देखते हैं, जहाँ कुछ सड़क छाप लोमिया आते जाते लड़कियों पर कमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी आँखें यह सोच कर बंद कर लेते हैं, वो कौन सी मेरी बहन लगती है, और अगर वो सच में आपकी बहन होगी तब उस लड़की की जगह आपकी बहन होती और बचाने वाला लड़का भी यही सब सोचता तो। लोग लड़कियां का परेशान करने की हिम्मत तभी कर पाते हैं जब हम ऐसे लोग अंधे व बहरे बन जाते हैं। मित्रों, हमारे आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप रास्ते में किसी भी लड़की को परेशान होते हुए देखते, उसकी मदद वैसे ही करें जैसे आप अपनी बहन की करते हैं। जय गुरुदेव।